हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ आपका सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 का सिक्योरिटीज लॉ और कैपिटल मार्केट का फर्स्ट टॉपिक या बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ आज। फ्रेंड्स, हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है। अगर आईसीएसआई ने हमें पढ़ाने के लिए वो सब्जेक्ट दिया है तो उसका पर्पस क्या है। उस पर सब्जेक्ट को जब हम पर्पसफुली पढ़ेंगे ना कि ये मेरे करियर में कैसे काम आने वाला है और जो मैं टॉपिक्स पढ़ रहा हूं वो कहाँ अप्लाई होने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट हमारे लिए बड़ा आसान होता चला जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि थ्योरिटिकल पढ़ लो, जब प्रैक्टिकल करोगे तो एक्चुअल में आपको और ज्यादा नॉलेज मिलती है, और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, और ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो ऐसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले ये नहीं सोचना कि आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो या पास होने के लिए पढ़ रहे हो। पहले हमें उस सब्जेक्ट का पर्पस, उसकी कंसेप्ट, फंडा क्लियर होना चाहिए कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ने जा रहे हैं और ये कैसे हमारे प्रोफेशन में काम आने वाला है। तो आज मैंने अपना जो मेरा कोर एरिया है सिक्योरिटीज लॉ, कंपनी लॉ, उसमें से एक सब्जेक्ट लिया और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी रेगुलर अपडेट्स आपको देता रहूं और इस सब्जेक्ट की इन डेप्थ स्टडी में आप जाओ। और सिक्योरिटी लॉ और कैपिटल मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा आपका सीएस प्रोफेशन में एक करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इस सब्जेक्ट को पढ़कर, इसमें एक्सपर्टीज लेकर आप काफ़ी आगे तक जा सकते हो, हायर लेवल्स पे जा सकते हो। तो आज की क्लास में मैं जो फर्स्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, हमें आज अभी ये समझना है कि सिक्योरिटीज लॉ पढ़ने हैं। अब आप देखो, आपको यहाँ पर नाम दिया गया है, दो पार्ट में है ये सब्जेक्ट। सिक्योरिटीज लॉ किसके लिए है, ये लॉ डेफिनेटली किसी को अप्लाई होने, किसी के ऊपर अप्लाई होने, किसी को फॉलो करने हैं। तो ये जो लॉ आप पढ़ोगे इस सब्जेक्ट में वो पढ़े जा रहे हैं कैपिटल मार्केट के लिए। जैसे आप कंपनी लॉ पढ़ते हो तो आपको ये पता है कि कंपनी का मीनिंग, कंपनी के टाइप्स, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, कंपनी की मैनेजमेंट, वो सब तरह की कंपनियों पर अप्लाई होता है कंपनी एक्ट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो कंपनी की फॉर्म में तो आपको कंपनी एक्ट एक फर्स्ट स्टेप है, जहां पर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से वाइंडिंग अप तक की सारे प्रोविजंस की बात की गई और उसमें सब तरह की कंपनियों की बात की गई। बट सिक्योरिटीज लॉ और कैपिटल मार्केट में जब हम आएंगे तो यहां पर हम हर तरह की कंपनी या कंपनी के नेचर की बात नहीं करेंगे। हम यहां पर यह बात करने वाले हैं कि जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी, पब्लिक ऑफर लाएगी, पब्लिक इशू लाएगी, जिसको आप आईपीओ बोलते हो या एफपीओ बोलते हो, तब ये सिक्योरिटीज लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो पहले मैं आज अभी बड़ा बेसिकली इसको आपको समझाने जा रहा हूं कि हम ये पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी लॉ और किसके लिए, कैपिटल मार्केट के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कैपिटल मार्केट क्या है, व्हाट इज कैपिटल मार्केट। देखो, जैसे कोई एक आम मार्केट होती है, ये भी मार्केट है। आप नॉर्मल मार्केट्स क्या सुनते हो, क्लॉथ मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, कंप्यूटर मार्केट, ऑटो पार्ट्स की मार्केट, हर तरह की एक मार्केट है और हर मार्केट की एक स्पेशलाइजेशन है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहाँ का फेमस होता है। कहीं का क्लॉथ है तो मोस्टली शॉप्स क्लॉथ की होंगी, कंप्यूटर हैं तो मोस्टली शॉप्स कंप्यूटर की होंगी। ऐसे ही ऑटो मार्केट आपने सुना होगा, दिल्ली में कश्मीरी गेट एशिया की फेमस मार्केट है। वेजिटेबल मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। ऐसे ही हमारे लिए कैपिटल मार्केट आई। तो कैपिटल मार्केट मतलब बात किसकी हो रही है यहां पर, मनी, फंड्स, इस चीज की मार्केट है। बट क्या मनी की बाइंग सेलिंग हो सकती है? नहीं, मनी की बाइंग सेलिंग नहीं हो सकती। बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोला गया कि शेयर, स्टॉक्स, गुड्स की डेफिनेशन में डाला गया शेयर स्टॉक्स भी मूवेबल गुड्स हैं। तो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट जनरली हम ये समझते हैं कि कोई गुड्स होंगी या कुछ सर्विसेज होंगे, दो तरह से हम मार्केट की बात कर लेते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज हैं तो शेयर्स को आप याद करो, सेल ऑफ गुड एक्ट की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था मूवेबल गुड्स।
तो अब यहां मनी किस फॉर्म में आ जाती है, हम उसको यहां पर बोल देते हैं सिक्योरिटीज। अब आप सब्जेक्ट को लिंक करो सिक्योरिटीज लॉ। तो सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग इशू, हम यहां पर सिक्योरिटी का इशू, इशू के बाद क्या आएगी, अलॉटमेंट, सब्सक्रिप्शन आएगा, इशू या सब्सक्रिप्शन भी मैं कर देता हूं। सेकंड, जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो क्या होगा, लिस्टिंग। लिस्टिंग कहां पर होती है, स्टॉक एक्सचेंज। नाम सुना आपने, दो स्टॉक एक्सचेंज है हमें, हमारे को जो मोस्ट कॉमनली हमारी लाइफ में सुनने को मिलते हैं और सीएस के स्टूडेंट के लिए तो बहुत जरूरी है, इसके ऊपर ही चैप्टर्स बने हुए हैं आपके। तो फिर लिस्टिंग से फायदा क्या होता है, यहां पर कंपनियों की डीलिंग की बात हो रही है, जिसको हम ट्रांसफर भी बोल देते हैं। जो कंपनी एक्ट, कंपनी का मेन फीचर बोलता है कि कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होंगे, प्राइवेट के रिस्ट्रिक्टेड होंगे, पब्लिक के फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे। तो यहां पर डीलिंग का मतलब ट्रांसफर। तो इस मार्केट में क्या होने जा रहा है, बाय सेल। तो ऑब्वियसली अगर कोई एक मार्केट है तो वो मार्केट बाइंग सेलिंग करवा रही है, किस चीज की, सिक्योरिटीज की। तो हमने ये समझा कि ये मार्केट सिक्योरिटीज की है और इस सिक्योरिटीज की यहां पर सब्सक्रिप्शन भी हो रहा है, अलॉटमेंट भी हो रही है और उसके बाद डीलिंग भी हो रही है, ट्रांसफर भी हो रही है। तो अब समझने आना शुरू हो जाएगा कि व्हाट इज कैपिटल मार्केट। जैसे आम मार्केट है कि किसी मिल मैन्युफैक्चरर ने कपड़ा बनाया तो वो किसी मार्केट में ही तो हमारे कस्टमर के पास पहुंच रहा है। अब जो मिल ओनर है जिसने प्रोडक्ट बनाया, चाहे उसने कपड़े बनाए, मोबाइल बनाया, टीवी बनाया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई और बनाई, कंप्यूटर्स बनाए, ऑटो पार्ट्स बनाए, कार्स बनाई, तो क्या मैन्युफैक्चरर हमारे पास डायरेक्ट आता है? मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हमारे पास नहीं आता। फार्मर सब्जी उगाकर हमारे घर में बेचने नहीं आता, वो एक होलसेल मंडी में जाता है, वेजिटेबल मार्केट में जाता है, जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करता है, वहां से होलसेलर रिटेलर से होते हुए कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो हर मार्केट में की जान है बायर और सेलर, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है वो भी सेलर है, होलसेलर है वो भी सेलर है, रिटेलर है वो भी सेलर है, और बायर कौन है, आम कंज्यूमर। अब वो तो हुई प्रोडक्ट्स की बात, अब हम कैपिटल मार्केट में, हमने अभी क्या समझा कि इस मार्केट में हम किसकी बात करने जा रहे हैं, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को आप क्या बोल देते हो, शेयर्स या डिबेंचर, मोस्टली जनरल टर्म्स में बोलते हैं, या बॉन्ड्स, अभी बहुत सारी टाइम टर्म्स आती हैं, बट मैं अभी यहां पर उस डेफिनेशन में नहीं जा रहा, सिक्योरिटी की ही डेफिनेशन अपने आप में बहुत लंबी है। हमें आज मेनली बेसिक समझना है कि हमें यह सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, और जब हम पढ़ेंगे तो इतना दिल लगा के पढ़ेंगे कि इसमें ही अपनी करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखो भाई, मैंने यहां पर एक सिंबल लिया है, सारा काम अल्टीमेटली किसके लिए हो रहा है, पैसा। तो ये मार्केट तो है ही पैसे की, तो इस मार्केट में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, हमें अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और भी इन्वेस्टर तो है ही है, तो कई तरह से यहां पर टर्म्स आने वाली है। तो अभी मैं इस मार्केट में समझूं तो इस बायर्स इन सिक्योरिटीज और मनी की ट्रांसफर हो रही है। तो हर मार्केट में जी एक सेलर भी होता है और एक बायर भी होता है, दो कंपोनेंट हैं कि कोई भी मार्केट को कंप्लीट करने के लिए। अब सेलर अगर गुड्स का है तो वो मैन्युफैक्चरर होगा, बट हम यहां पर सेलर जो बोल रहे हैं उसको यहां पर हम इशुअर बोल देते हैं। इशुअर मींस कोई पब्लिक कंपनी जो ओपनली पब्लिक सब्सक्रिप्शन इनवाइट कर सकती है, यह भी आप कंपनी लॉ में पढ़ चुके हो। अब जब ये इशुअर कंपनी यहां पर सिक्योरिटीज इशू करती है तो वो उसका नेचर क्या हो गया, सेलर। सिक्योरिटीज दे रही है, शेयर्स डिबेंचर ऑफर कर रही है और पैसा मांग रही है, सेलर के पास क्या जाता है, पैसे। बायर क्या देता है, पैसे देकर गुड्स लेता है। तो ये बायर जब यहां पर आएगा वो सिक्योरिटीज का बायर है। तो ये बायर, अगर मैं इस बायर का दूसरा नाम यहां पर लिख दूं तो वो आप जनरल टर्म में क्या बोलोगे, इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर यहां पर अपने फंड्स लेकर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट्स कहलाई जाएंगी, और उसको वो गुड्स और सर्विसेज क्या खरीदनी है,
शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, वो इसके लिए आ रहा है। अब ये हमारे लिए एक मार्केट आ गई, हमें ये समझ आया कि कैपिटल मार्केट मनी ट्रांसफर कर रही है, बट मनी से मनी नहीं जा रही, मनी के बदले हमें प्रोडक्ट मिलता है। हम भी जब भी कोई एक मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो पैसे देते हैं और पैसे के बदले हमें कुछ गुड्स या सर्विसेज मिलती हैं। अब यहां पर हम अपना पैसा किसी कंपनी के पास दे रहे हैं, कंपनी हमें उसके बदले में क्या दे रही है? शेयर्स, डिबेंचर, जिसको आप इश्यूअर बोलोगे आगे, या बॉन्ड्स, ये जनरल सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी हैं, अभी बहुत कुछ आने वाला है। यहां पर हम अभी इतना समझ रहे हैं कि ये मार्केट में बायर सेलर हैं कौन। अब कंपनी ने यहां पर शेयर्स दिए, पैसा लिया, बट फर्क ये है कि ये शेयर्स एक प्रॉमिस है, वो हमें प्रॉमिस देकर गई और उस प्रॉमिस से वो एक बिजनेस करेगी, प्रोजेक्ट लगाएगी। जब उसके पास ये फंड्स जाएंगे, ये पैसे जाएंगे, वो डिबेंचर बॉन्ड इशू करके फंड्स रेज करेगा, तो वो किसी एक प्रोजेक्ट में ही तो लगाएगा। प्रोजेक्ट मतलब कोई एक बिजनेस एक्टिविटी होगी, और उस बिजनेस एक्टिविटी से उस प्रोजेक्ट में वो हमें या तो शेयर होल्डर बना रहा है या क्रेडिटर बना रहा है। जब वो यहां पर इस प्रोजेक्ट से कुछ भी करेगा तो अल्टीमेटली पर्पस क्या था, उस ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या होगा? सबका कमाना। शेयर होल्डर हैं तो हमारे को वेल्थ क्रिएशन का फायदा मिलेगा, अगर हम क्रेडिटर हैं तो हमें उसमें हमारे को प्रिंसिपल के साथ वो इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाएगा। तो ये जब हमें इनकम आएगी तो ये खुद भी रखेंगे और हमें भी देंगे। तो इस मार्केट में बस डिफरेंस ये है दूसरी मार्केट से, नॉर्मल मार्केट्स में हम जब भी मनी देते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी गुड्स हमें इमीडिएटली मिल जाती हैं, बट यहां पर जो इश्यूअर है वो जो पैसा लगा रहा है वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डाल रहा है, वो प्रोजेक्ट से जो हमें अर्निंग देगा वो तो काफी टाइम के बाद देगा ना। तो वो जो शेयर इश्यूअर है वो एक प्रॉमिस दे रहा है हमें, वो हमें शेयर डिबेंचर के थ्रू क्या दे रहा है? प्रॉमिस कि जी आप मुझे पैसे दो, मैं एक बिजनेस एक्टिविटी करूंगा और उस बिजनेस एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, अगर आप शेयर होल्डर तो आपको पूरा हक है उसके, आपके शेयर के अकॉर्डिंगली, और अगर आपने लोन डिबेंचर दिया है, बॉन्ड लिए हैं, तो जी आपका प्रिंसिपल है, सिक्योर्ड हो सकता है, अनसिक्योर्ड हो सकता है, कन्वर्टेबल हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल हो सकते हैं, ये काफी आगे अपने सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। तो हमें यहां पर अभी ये समझ आया कि मैं अब इस चार्ट को थोड़ा सा और डिफरेंट कर दूं, कि हमने ये समझा कि यहां पर कोई एक ईश्वर, वो कौन होगा? एक पब्लिक कंपनी, वो एक मार्केट में आ रही है। अब हमारे घर नहीं आ सकती वो घर, क्योंकि ये कंपनी तो होगी थाउजेंड्स में पब्लिक कंपनियां, और जो इन्वेस्टर हैं वो तो करोड़ में है, लैक्स में है, तो क्या हर एक के घर जाया जा सकता है? तो वो इन्वेस्टर, आम जनता, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया। इस प्लेटफॉर्म का नाम हमने क्या रखा जी? कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट अब डीलिंग किसकी करा रही है? सिक्योरिटीज की। सिक्योरिटीज का आपने क्या पढ़ा था पहले? इशू हो रही है, लिस्टिंग हो रही है, डीलिंग हो रही है। इसी से क्या जनरेट हो रहा है? ट्रांसफर। वो ट्रांसफर मैं अभी बाय सेल ही लेकर चल रहा हूं, आगे काफी सारी टर्म्स हैं। तो वो कंपनी जब यहां पर आती है तो ये इश्यूज, पब्लिक इशू ये लेकर आ रही है, तो ये यहां पर ऑफर दे रही है। तो हमने इसको पिछली स्लाइड में क्या बोल दिया था? सेलर। यहां पर हम जब इस यहां पर आएंगे तो हम सब्सक्रिप्शन देंगे। सब्सक्रिप्शन, यहां हम पैसे देंगे और इस ऑफर में वो हमें सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है। तो अब ये दोनों लोग मिलेंगे कैसे? अब कंपनियां करोड़ों लाखों इन्वेस्टर के घर घर जाकर तो नहीं बोल सकती जी पैसे दो हमें, हमें शेयर्स ले लो और हम काम करेंगे, हम आपको प्रॉमिस देते हैं और आपसे हम आगे प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे, ये प्रॉमिस दे रहे हैं, क्या हम भरोसा कर लेंगे? हम जब डायरेक्ट, पहली बात तो कंपनी हमारे पास नहीं आ सकती, दूसरा हमें एक भरोसा चाहिए कि ये हमारे फंड सेफ है या नहीं,
ये कहीं गलत लोग पैसा तो नहीं लेके जा रहे, लेकर भाग तो नहीं जाएंगे। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में दोनों बातें करवाई गई कि इशू ऑफ सिक्योरिटीज भी कराया जाए और उसके बाद उनकी बाइंग सेलिंग भी हो। इस कंसेप्ट को भी और डीप में समझेंगे। अभी आपने जनरल ये समझा कि कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ फंड्स थ्रू या इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये कैपिटल मार्केट में हमने यहां पर पैसा दिया, इससे वो जो सिक्योरिटीज से ऑफर लाएगा वो भी पैसे के लिए ला रहा है, इस प्रोजेक्ट से वो कुछ इनकम जनरेट करेगा और वो इनकम किस में होगी, रुपी की टर्म में, और वो इनकम भी किसके पास जाने वाली है, हमारे पास। तो मैं ये कहूं कि ये फंड्स घूमकर यहां जा रहे हैं और यहीं से ये फंड्स प्रोजेक्ट में लगकर इनकम की फॉर्म में हमारे पास वापस आ रहे हैं। वो किस फॉर्म में होंगे, डिविडेंड की फॉर्म में होंगे या इंटरेस्ट की फॉर्म में। हमने यहां पर जो दी वो क्या दी, सब्सक्रिप्शन। हमने दिए पैसे, यहां तक पैसे पहुंचे, यहां से इनकम जनरेट हुई और वो हमें क्या देगा, डिविडेंड या इंटरेस्ट। तो ये एक मनी की साइकिल घूम रही है। तो कैपिटल मार्केट से कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड को भी मैं आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी हमने समझा कि कैपिटल मार्केट बेसिकली फंड्स एक्सचेंज कर रही है इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। हम पैसा दे रहे हैं कंपनियों को, कंपनियां उस पैसे को लेकर प्रोजेक्ट में लगा रही हैं, उस प्रोजेक्ट से जो प्रॉफिट इनकम आ रही है या इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारे पास वापस आ रहा है। तो हम यहां पर फंड्स की रोटेशन कर रहे हैं एक तरह से। तो कैपिटल मार्केट एक प्लेटफॉर्म दे देती है हमें। अब बात आई सिक्योरिटीज लॉ जो हमें पढ़ने हैं। आते हैं एक बार देखो, सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट। तो अब हमने थोड़ा सा कैपिटल मार्केट का रोल समझा। अगर मैं कहूं तो कैपिटल मार्केट को जो थोड़ा सा हमने समझा, एक लाइन में कैसे मैं इसको अंडरस्टैंड कर सकता हूं या मैं कैसे अपने आप को समझाऊं कि व्हाट इज कैपिटल मार्केट। तो ये एक प्लेटफॉर्म दे रही है फॉर एक्सचेंज ऑफ फंड्स, ये समझे हम। या मैं ये समझूं कि ये मार्केट, अब मैं पिछली स्लाइड से और थोड़ा सा बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाऊंगा, कैपिटल मार्केट। यहां पर हमने ये पढ़ा इन्वेस्टर्स एंड इश्यूअर, या कंपनी बोल दूंगा। इन्वेस्टर यहां पर फंड्स दे रहा है किसके थ्रू, मार्केट के थ्रू। अब इस मार्केट के पार्ट आ जाता है सिक्योरिटीज मार्केट। ये मार्केट हमने अभी समझी ना कि क्या डीलिंग कर रही है, सिक्योरिटीज मार्केट। कैपिटल मार्केट का एक पार्ट आई है सिक्योरिटीज मार्केट। इसके दो पार्ट हो जाते हैं प्राइमरी एंड सेकेंड हो जाता है सेकेंडरी। अब प्राइमरी मार्केट में मैंने पीछे क्या लिखा, आईपीओ आ रहे हैं या एफपीओ पब्लिक इशू। सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, या हम इसको बाय सेल भी बोल देते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं और स्पेसिफिक हो गया इस मार्केट को लेकर। और इस मार्केट के थ्रू यहां से क्या चला, पैसा। ये इश्यूअर ने इस पैसे को कहां लगाया, प्रोजेक्ट में, और साथ में क्या इशू कर दी, अलॉटेड सिक्योरिटीज। और ये सिक्योरिटीज किसके पास पहुंच गई, किस फॉर्म में, शेयर्स या डिबेंचर, या मैं अब इक्विटी या डेट की बात करूंगा। शेयर्स को अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा, इक्विटी या डेट। जब ये प्रोजेक्ट में आई तो इससे क्या जनरेट हुआ, इनकम। इनकम जो होगी वो डिविडेंड के फॉर्म में होगी,
दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि बहुत अच्छी तरह आप इसको समझ सको कि ये मार्केट और इससे रिलेटेड लॉस क्यों पढ़ने जा रहे हैं, हमें क्यों पूरा सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने दे दिया इसको उठाकर, कि ये कैपिटल मार्केट के लॉस को अलग से 100 मार्क का पेपर बना दिया गया आपके लिए। फिर इस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन और मालिक कौन है अल्टीमेटली, यही लोग हैं। ये लो जी पैसा वापस, और वो किस फॉर्म में आ रहा है, डिविडेंड या इंटरेस्ट। तो पैसा गया था वापस भी क्या आया, कैपिटल मार्केट ने अब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया भाई जिसको जरूरत है। अब देखो मैं जो नाम देने जा रहा हूं, ये जो इश्यूअर है, ये जो प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो ये इस प्रोजेक्ट में यूजर है। यूजर किसका, पैसे का। और ये कौन है, सेवर, जिसके पास क्या पड़ा है, सरप्लस फंड्स पड़े हैं। सरप्लस फंड सेवर, या मैं नाम दे दूं सेविंग्स, तो उसकी हार्ड अर्न मनी है। हम कभी भी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो हमारी इनकम में से जो हमारे पास सरप्लस आया उसी से खरीदेंगे ना, हम अपनी कैपिटल तो नहीं लगा देंगे ना, हम जो सेविंग कर रहे हैं उस सेविंग का पार्ट हम लगाएंगे। तो उस सेविंग के पार्ट को यहां तक पहुंचाने के लिए ये कैपिटल मार्केट हमें हेल्प कर रही है। अब बात आई कि ये इन्वेस्टर कौन है, आम जनता, भोला इंसान। अब ये भोला इंसान जो हार्ड अर्न मनी को कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, हालांकि आप इन्वेस्टमेंट और जगह पर भी करते हो, मैं अभी उस टॉपिक पर भी आ रहा हूं, बट अभी हमें यह समझना है कि हम आम आदमी, आम लोग, आम जनता, इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहती है, इन कंपनियों की सिक्योरिटीज लेनी चाहती है, तो एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिसका नाम था कैपिटल मार्केट, जहां पर डीलिंग क्या हो रही है सिक्योरिटीज की, तो उसका फर्दर पार्ट क्या हो जाता है, सिक्योरिटीज मार्केट। उसके फिर फर्दर पार्ट क्या हो जाते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब बात आई कि इस सारे सिस्टम को और इन्वेस्टर की हार्ड अर्न मनी को बचाने के लिए ये सिक्योरिटीज लॉ आए। नंबर वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी एक्ट बनाया। सेबी एक एजेंसी लेकर आई अलग से जो इसको रेगुलेट कर रही है, सेबी एक्ट 1992। सेकेंड, सेबी एक्ट आता है तो एक सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। थर्ड, डिपॉजिटरीज एक्ट 1956। फोर्थ, कंपनी एक्ट भी अप्लाई होगा, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। कंपनी एक्ट में आपने थोड़ा बहुत सुना भी होगा, कंपनी एक्ट अप्लाई होगा। कंपनी एक्ट में तो कंपनी पैदा हुई है, मैनेज हुई है, डायरेक्टर्स सब किससे रेगुलेटेड है, कंपनी एक्ट से। प्लस इसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली फेमा भी जुड़ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये भी आ जाता है। जब हम फॉरेन इन्वेस्टर यहां पर आ रहा है तो फेमा भी बीच में जरूर आएगा। अब ये सारे लॉज आपको पढ़ने हैं जो आपका 100 नंबर का पेपर बना। ये लॉ किस पर अप्लाई हो रहे हैं, कैपिटल मार्केट पर। तो अब कैपिटल मार्केट के लिए लॉ बनाए गए। लॉ किस लिए बनाया जाता है, कि जो भी एक एजेंसी एक्टिविटी हो रही है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक हो। और इस कैपिटल मार्केट में तो बहुत सेंसिटिविटी है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सारी मनी, रुपी की। अब ये सेविंग का पैसा है, इस सेवर को बचाना है। अब आप कहो सर सारे लोग थोड़ी सेविंग करते होंगे शेयर मार्केट में, सब थोड़ी शेयर खरीदने जा रहे हैं, तो लोग तो शेयर मार्केट में कम है। अगर मैं कहूं कि इंडिया में 4 करोड़ के करीब डीमैट अकाउंट हैं, 3.5-4 करोड़ डीमैट अकाउंट है, तो इसका मतलब 130 करोड़ लोगों में से 4 करोड़ लोग सिर्फ सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं या शेयर डिबेंचर खरीदते हैं, तो फिर बाकी लोग तो नहीं खरीदते। उसके लिए इतने बड़े लॉ और इतना सारा करने की क्या जरूरत थी। बट फ्रेंड्स, हम अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछो, वो शेयर्स नहीं खरीदते, आपके घर में कभी आपने शेयर्स नहीं खरीदे, डिबेंचर्स में पैसा नहीं लगाया, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कभी ना कभी इस मार्केट से कनेक्ट हो जाते हो। कैसे कनेक्ट हो जाते हो, एक बार उसको समझते हैं बड़े बेसिक पे, कि ये तो अभी हमें समझ आया कि कैपिटल मार्केट क्या है। अब कैपिटल मार्केट में वो लोग आ रहे हैं, ये लोग जो यहाँ पर सेवर हैं और पैसा लगा रहे हैं अपना,
शेयर्स या डिबेंचर्स में, बट सारे लोग तो शेयर डिबेंचर में पैसा नहीं लगाते, बट हम अब ये समझना चाहेंगे कि जो लोग शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में या कंपनियों के शेयर डिबेंचर नहीं खरीदते, बट वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? देखो, सपोज अब मैं बात कर रहा हूं सेवर्स, ये कौन है? आम जनता सेविंग करती है, सेविंग्स कौन सा पार्ट होता है हमारा? हमारे पास सरप्लस फंड्स पड़े, ये सरप्लस फंड्स हैं, हम इनको, मैंने अभी पिछले में समझा कि इन सेविंग्स को हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी के शेयर्स में, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर या स्टॉक एक्सचेंज पे, यहां जाएंगे तो हम किस लिए जा रहे हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, जिनको मैं क्या बोल दूं, सिक्योरिटीज। और इसको इशू करने वाली कौन होता है, जिसको हम बोलने जा रहे हैं इशूअर, जिसको मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलूंगा। ये पब्लिक कंपनी जो आप पढ़ते हो बड़ा बेसिक है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, तो मैं अभी बिल्कुल बेसिक पर लेके चल रहा हूं कि पब्लिक, हालांकि कुछ एक्सेप्शन है कि प्राइवेट कंपनी भी यहां आ सकती है, बट अभी हम उसको इतना डीप में नहीं जाएंगे हायर स्टडीज में। अभी ये समझेंगे कि पब्लिक अगर कुछ अपने फंड्स को, सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहती है तो आईपीओ एफपीओ के थ्रू वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर जाएगी, जिसको हमने समझा कि वो किसका पार्ट है, कैपिटल मार्केट का। ये तो मैंने अभी तक जो आपको समझाया ये आई बात, तो हमारी कनेक्टिविटी यहां से बनी और जिसको पैसे चाहिए थे वो भी यहां पर आया, दोनों ने बात किसकी की, पैसे की, हमने इन्वेस्ट कर दिया। अब पब्लिक तो बहुत सारी है, सेविंग तो सब करते हैं, तो ये जो इन्वेस्ट हुआ ये उन्होंने यहां पर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया। बट अब दूसरी बात पर आए कि मेजोरिटी ऑफ लोग या बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा या स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते या किसी कंपनी के आईपीओ एफपीओ को सब्सक्राइब नहीं करते, तो बट सेविंग तो सारे करते हैं, तो ये सेविंग सरप्लस यहां नहीं जाता अगर, तो आपकी सेविंग्स कहां जाती हैं? भाई बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में सेविंग अकाउंट और एफडी खोलते हो आप, पैसा डालते हो यहां पर। इन्वेस्टमेंट तो आजकल एक झुग्गी वाला भी जनधन योजना के थ्रू अपना सेविंग अकाउंट खोलकर बैठा है। दूसरे कौन आ जाते हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन हमारे घर में सेविंग्स है? इंश्योरेंस, LIC है या अदर कंपनियां हैं बहुत सारी। ये दो कॉमन प्रोडक्ट हैं जो आपको हर घर में मिलेंगे, जो हर आदमी सेव कर रहा है। अब ये 4 करोड़ होगा या 40 होगा या 40 से भी ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, मतलब शेयर में लेने वाले डायरेक्टली तो बहुत कम है, बट बैंकों में पैसा और इंश्योरेंस कंपनी में पैसा रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, सॉरी। उसके बाद तीसरा आ जाता है म्यूचुअल फंड को भी नहीं मैं अभी लेता, और बताओ कहां है, आप बताओ आम जनता का पैसा कहां जा रहा है? पीपीएफ, हां जी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुना ये, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर भी पैसा लग रहा है, और बताओ म्यूचुअल फंड, चलो म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, यहां पर भी पैसा लगाते हैं, और कहां है आपके घर की सेविंग? आपने कहा जी गोल्ड, आपने कहा जी प्रॉपर्टी, ये भी कैश घर पे रखा है तो वो सेविंग नहीं है, आपने रखा है वो प्रोडक्टिव है नहीं है, मैं लिख देता हूं, बट ये दोनों और इनमें डिफरेंस है। आप यहां पर पैसा दे रहे हो और यहां से आपको वापस भी पैसे ही मिलेंगे, बट अगर आपने गोल्ड और प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको वैल्यू ऑफ मनी मिल गई, प्रोडक्ट मिल गया उसके बदले में कुछ ना कुछ, और कैश है तो आपके हाथ में ही पड़ा है। अब हम अपने मुद्दे पर आए कि ये लोग जब हमसे पैसा लेते हैं
हमें वापस भी फंड्स दे रहे हैं। हमने यहाँ पर जो फंड्स दिए वो हमें उम्मीद करते हैं हम बढ़ा कर देंगे, हमें जो हमने प्रिंसिपल दिया उसके साथ कुछ बढ़ेगा प्रिंसिपल के साथ। तो ये लोग जब हमें बढ़ा कर दे रहे हैं तो डेफिनेटली उस पैसे से कुछ काम कर रहे हैं ना। अब मुझे बताओ, बैंक या LIC की कोई फैक्ट्री सुनी, शॉप सुनी, कोई आपने बिजनेस सुना उनका कि क्या कर रहे हैं? ये नहीं सुना। तो क्या कर रहे हैं ये दो काम करते हैं, लेंडिंग कर रहे हैं, सॉरी पहले मैं इन्वेस्टमेंट्स लिखता हूं, या तो वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या वो लोन्स दे रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो अल्टीमेटली कहां जा रहे हैं? सिक्योरिटीज में ही तो कर रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट्स उनकी कहां जा रही हैं? सिक्योरिटीज में। लोन्स दे रहे हैं तो भी वो कौन से लोन दे रहे हैं? बिजनेस लोन दे रहे हैं। बिजनेस लोन भी सबसे बड़ा बोरर कौन है? बिजनेस पार्टनरशिप फर्म भी ले रही है, इंडिविजुअली भी ले रहा है, हम भी ले रहे हैं, बट अल्टीमेटली सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है? कौन है जी? बॉडी कॉर्पोरेट्स, कंपनियां। आप याद करो ना, विजय माल्या एक आदमी 9,000 करोड़ तो अभी नजर आ रहा है कि जो उन्होंने बैंकों के नहीं दिए। और भी तो सोचो कितने हैं, कितने कॉर्पोरेट्स हैं, नीरव मोदी हैं, कितने लोग हैं जिनके साथ इतने अमाउंट का बात चल रही है, मतलब इतने बड़े लोन लिए। आम जनता तो नहीं ले रही, छोटा बिजनेसमैन तो नहीं लेना। तो मेजोरिटी ऑफ फंड जो हम बैंकों में रख रहे हैं वो अल्टीमेटली कहीं पर जा रहे हैं। अब हमने यहां पर पैसा डाला, आपने बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा डाला, FD में पैसा जमा करा दिया। आप तो सोच रहे हो जी पैसा हमारा सेफ है, बिल्कुल सेफ होगा। LIC ने कहा आप मुझे प्रीमियम दो, इतने साल तक दो, मैं आपको X अमाउंट बढ़ाकर दूंगी, और कंटीजेंसी में कोई भी अचानक इमरजेंसी आ गई तो आपको भी पैसा मिलेगा, उसका क्लेम मिलेगा। तो जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं तो उन प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए आपकी मनी इनको सिक्योर भी रखनी है, उस पर खुद भी कमाना है और आपको भी कमा कर देना है जो आपसे प्रॉमिसेस कर रखे हैं। तो ये लोग सारा पैसा लोन्स में नहीं डालेंगे, सारा शेयर्स में नहीं लगाएंगे, एलोकेट करते हैं। बैंकों का मेनली काम आता है लेंडिंग, लोन किसका काम है? बैंक्स, LIC और अदर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिख देता हूं, इन लोगों का काम मिक्स हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और लेंडिंग भी करते हैं। बट लेंडिंग में मेनली कौन आ जाते हैं? बैंक्स, और इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी, PPF वाले भी इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड तो डायरेक्टली कर ही क्या रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का काम है उसका, लेंडिंग का काम है, डायरेक्ट लोन नहीं देता वो। डेट सिक्योरिटी खरीद लेगा तो डेट सिक्योरिटीज भी खरीदेगा तो किसकी खरीदेगा? वो कंपनियों की खरीदेगा। कोई म्यूचुअल फंड के पास भी पैसा तो पब्लिक की हार्ड एंड मनी है। अब ये फंड्स यहां पर जा रहे हैं, अब ये इश्यूअर से इनको भी पैसा वापस आना है। ये कंपनी इनको किस फॉर्म में देगी, वो अगेन क्या होगा, डिविडेंड होगा या इंटरेस्ट होगा? ये पैसा ही जाएगा और पैसा ही वापस आने वाला है, और ये फंड्स अल्टीमेटली फिर हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। अब हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे तो बढ़ेंगे, तो हम फिर इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन, पैसे से पैसा बन रहा है। अब आप समझ रहे हो इकोनॉमी की चेन कितनी बड़ी इस पे चल रही है। अब अगर हम सारे लोग कैश घर पर रखकर बैठ जाएं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बिजनेसमैनों तक पैसा कैसे पहुंचाएगी? क्योंकि हमने देखा कि जब भी ये कंपनियां बड़े प्रोजेक्ट लगाएंगी तो इस प्रोजेक्ट से क्या जनरेट करने वाली है? इनकम जनरेट हो रही है। अब इनकम जनरेट हो रही है तो किस फॉर्म में हो रही है? ये कंपनियां एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही हैं, गुड सर्विसेज भी बना रही हैं। वो किसके लिए बना कर दे रही हैं? सब हमारे लिए ही तो आ रहा है। तो इस स्लाइड में आपने ये समझा कि हमारी हार्ड अर्न मनी यहां तक पहुंची, मामला क्या हो रहा है, पैसे का, पैसा गया, ये हमने दिया डायरेक्टली, और ये हमारा क्या चला गया, इनडायरेक्टली, दो फॉर्म में गया।
और जब ये पैसा यहाँ पर गया और हमारे पास वापस डायरेक्टली गया चाहे इनडायरेक्टली गया, मनी की फॉर्म में ही आना है। तो कैपिटल मार्केट अब जरूरी हुई कि नहीं, अब ये लोग कहीं एक स्टैंडर्ड प्लेस पे मिलेंगे या आपस में एक दूसरे के घर और ऑफिस जाते रहेंगे। तो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, दूसरा इस मनी को सिक्योर भी करना है, क्योंकि ये इस आम जनता की, आम आदमी का सरप्लस पैसा है जिसको प्रोटेक्ट भी करना है। अगर ये पैसा कंपनीज या बड़े बिजनेसमैन लेकर भाग जाएंगे तो हम अपने मनी को बैंकों में नहीं रखेंगे, इंश्योरेंस नहीं कराएंगे या शेयर्स नहीं खरीदेंगे, और अगर हम ये नहीं खरीदेंगे तो हम वापस कैश, गोल्ड और प्रॉपर्टी की तरफ मुड़ेंगे जहां पर मनी की मूवमेंट स्लो हो जाती है। बट अगर हमने बैंक में पैसा रखा, इंश्योरेंस कंपनी में पैसा डाला, तो मनी की मूवमेंट फास्ट हो जाती है। इसको कहते हैं पैसे के पैर लग गए, कि बैंक अपने पास ये पैसे रखकर नहीं रखेगा, वो अल्टीमेटली उसको आगे लेंड करेगा। तो जब वो लेंडिंग करेगा तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा तो प्रोजेक्ट बनेंगे, जीडीपी को फायदा होगा। एक और तरह से देखते हैं कि इस पैसे की मूवमेंट से जीडीपी को क्या फायदा हो रहा है और हमें क्या हो रहा है। देखो, हमने अभी सेवर की बात की। ये सेवर कौन है? आम जनता, जिसको हमने दूसरा नाम दे दिया इन्वेस्टर्स। हमने दूसरा आया यूजर, जिसको हमने वर्ड दिया कंपनी। हमने ये समझा इनके बीच में रिश्ता नाता किसका जुड़ रहा है? फंड्स का। हमने यहां पर इनको फंड्स दिए, ये पैसे गए। ये इस पैसे को कहां यूज करेगा? किसी एक प्रोजेक्ट में लगाएगा या कोई बिजनेस एक्टिविटी होगी? उस बिजनेस एक्टिविटी से सबसे पहले क्या जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट। उस एम्प्लॉयमेंट के बाद ये क्या बनाएगा? कुछ गुड्स या सर्विसेज बनाएगा, गुड्स बनाएगा या हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो अल्टीमेटली क्या जनरेट होगा? इनकम। मुझे ये बताओ, जॉब करने वाले, गुड्स और सर्विसेज को लेने वाले, ये दोनों लोग कौन होंगे? जितने ज्यादा प्रोजेक्ट लगेंगे अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होने वाला है? यहां पर कौन आई? आम जनता। हमने पैसे दिए, अब हमारी जो ये फंड्स गए ये क्या थी? सेविंग्स थी। सबसे पहले वो मूव कहां से की? बैंक से। या तो हम डायरेक्टली चले गए या हम इनडायरेक्टली चले गए। हम यहां पर गए तो हमने यहां पर शेयर्स, डिबेंचर ले लिए, सिक्योरिटीज ले ली, या बैंक ने क्या किया? लेंड कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया। दोनों तरह से हमारा पैसा वहां गया। दूसरा मैंने क्या लिखा था? इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, ये चार मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं जिनके थ्रू पैसा जा रहा है। अब आपको मैं ये समझाने जा रहा हूं कि हमने पैसा दिया और इस पैसे का अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है? हम ही लोग। किस फॉर्म में हम लोग हैं? हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, गुड्स और सर्विसेज मिल रही है। वो गुड्स और सर्विसेज के बाद जो इनकम जनरेट हो रही है, वो इनकम भी तो हमारी एक जीडीपी का पार्ट है। इनकम से जो हमारी जीडीपी को बेनिफिट हुआ, वो जीडीपी को चलाने वाली कौन है? गवर्नमेंट। ये जीडीपी से इनकम किसके पास जा रही है? गुड जीडीपी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस पर खर्चेगी? हम ही लोगों पर तो खर्चेगी। और अल्टीमेटली जब हमारे पर खर्चा होगा तो हम फिर स्पेंडिंग करेंगे, फिर खर्चा करेंगे।
तो हमारे ही पैसे से ये प्रोजेक्ट लगा पा रहे हैं। चाहे बैंक ने लोन दिया, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया या हमने इन्वेस्ट किया, इनके पास ये फंड्स पहुंचे, इस फंड से ये प्रोडक्टिविटी हुई, हमें ही जॉब मिली, हमें ही कंज्यूमेबल गुड्स मिले और हमें ही इनकम जनरेट हुई, और बेनिफिशियरी कौन हुए? हर हाल में घूमकर हम ही लोग। तो दोस्तों, ये कंपनियां, बॉडी कॉर्पोरेट बहुत बड़ी पिलर हैं। अगर हम कहें कि हम अपने घर में डेली नीड की जितनी गुड्स यूज करते हैं, डेली नीड के लिए जितनी गुड्स और सर्विसेज लेते हैं, क्या हम खुद बना रहे हैं या हमें कोई दे रहा है? कोई हमें दे रहा है, वो किस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास? हम चाहे सुबह उठकर अपना नहाने धोने का ब्रश, हम जो सुबह से मॉर्निंग एक्टिविटी से एक बार शाम की एक्टिविटी देखें, हम सुबह उठते हैं, ब्रश, पेस्ट, सोप, शैम्पू, कॉस्मेटिक, अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड, बटर, मोबाइल, घर से निकले टीवी, फ्रिज, कार, क्लॉथ्स, मोबाइल, ये सब कौन बनाकर दे रहा है? ये एक बड़े बिजनेसमैन बनाकर दे रहे हैं, वो खुद दे रहे हैं या किसी के थ्रू दे रहे हैं, और वो बेनिफिशियरी हम हैं, कंज्यूमर हम हैं। अब जितना हमें इन चीजों से इजी होता चला जाएगा, हम अपने काम धंधों पे ध्यान देंगे, और इनका काम बढ़ेगा तो हमें ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या हम इनका माल बेचेंगे। शॉपकीपर्स क्या कर रहे हैं? इन्हीं का माल, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इनके थ्रू। तो इस ये बेसिकली इकोनॉमी के बहुत बड़े पिलर हैं। ये पिलर बहुत बड़ा इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं। इनको फंड्स भी पहुंचे और हमारी हार्ड अर्न मनी भी सेफ्टी रहे, ये सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस पैसे को संभालने के लिए, यहां तो पैसे के तो भाइयों भाइयों में झगड़ा हो जाता है, तो पैसे का मामला तो भाई दोस्त दोस्त का नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं है, भाई भाई का नहीं है आज की दुनिया में। तो पैसा जब हम किसी और को देंगे, वो क्या करेगा? जिसको हम जानते नहीं, कंपनियों को, उसके लिए हमें फिर कुछ लॉज चाहिए। ये लॉ बनाए गए सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, ताकि इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके। ये जितना ज्यादा पैसा आएगा, उतने ज्यादा प्रोजेक्ट लगेंगे, उतनी ज्यादा हमारी इनकम जनरेट होगी, उतना हमें बेनिफिट मिलेगा, उतनी बेटर क्वालिटी की गुड्स मिलेंगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या मिल रहा है यहां पर? टैक्स, जिसको आप डायरेक्ट टैक्स बोलते हो या इनडायरेक्ट टैक्स। ये कंपनियां गुड्स बना रही हैं तो जीएसटी की फॉर्म में गवर्नमेंट के पास जा रहा है, कस्टम ड्यूटीज जा रही हैं। उसके बाद जब ये कमाती हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज्यादा है, वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। उनके एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स जो कमा रहे हैं, वो इनकम टैक्स दे रहे हैं। हमें जो डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स जा रहा है हमारा। तो आप समझो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट कितना बड़ा, एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का सिस्टम लेकर चल रही है। अगर एक और फॉर्म में इसको देखते हैं, आप कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो। सपोज एक कंपनी, कंपनी किससे बनी है? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये कौन है? कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको आप क्या बोल देते हो? शेयर होल्डर्स। वो आगे किसको अपॉइंट कर देते हैं? डायरेक्टर्स, जो इस कंपनी को चलाएंगे। अपॉइंट कौन कर रहे हैं? अब ये एसोसिएशन ऑफ पहले कहां गई? अगर इसको कंपनी की फॉर्म में काम करना था, तो ये पहले कहां पर गए? सबसे पहले कंपनीज एक्ट, तो ये लोग कहां पर गए? कंपनीज एक्ट 2013। तो ये यहां पर क्या हो गए? इनकॉर्पोरेट, हम यही बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट बन गए। कंपनी एक्ट के अंडर कंपनी एग्जिस्टेंस में आई,
सपोज इस कंपनी का नाम इन्होंने लिख दिया एबीसी लिमिटेड। अब ये जब कंपनी चलेगी तो डायरेक्टर्स ने आगे कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए, हार्ट क्या है कंपनी का, कैपिटल। कैपिटल किस में लगने वाली है, हमने अभी तक समझा किसी एक प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट से क्या आने वाला है इनकम। अब देखो जब ये इनकम आएगी, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये इनकम किस किस के पास जाने वाली है, ये इनकम इनके पास भी जाएगी और इनके पास भी जाएगी, और प्रोजेक्ट लगे तो किसके पास गई, उसको चला कौन रहा है, एम्प्लॉयज के पास भी। तो इस इनकम पर आप कुछ टैक्स भी दोगे, और कंपनी पे आपने देखा सीधा सीधा 30% टैक्स लग जाता है। और जब ये प्रोजेक्ट से कुछ गुड्स या सर्विसेज बनी तो इनडायरेक्ट टैक्स भी गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, इनडायरेक्ट टैक्स भी गया और डायरेक्ट टैक्स भी गया, ये दो तरह से टैक्स गया। एम्प्लॉय को क्या मिली यहां पर, सैलरी। इनको क्या मिला, डायरेक्टर्स को भी रेमुनरेशन आप पढ़ते हो। शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, डिविडेंड, या अगर ये डिबेंचर होल्डर थे तो क्या मिलेगा इनको, इंटरेस्ट। दो तरह से पैसा जाएगा। इस सब पर ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्लस जीएसटी की इनकम जनरेट हुई कि नहीं हुई, तो ये क्या एक बड़े इकोनॉमी का पार्ट है या नहीं। रिलायंस जैसी कंपनी कंसोलिडेटेड रिवेन्यू 400,000 करोड़ की सेल है, 38,000-40,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है रिलायंस का, प्रॉफिट आप जानते हो। अगर ये कंपनी रिलायंस जैसी कंपनी है तो देखो लोगों शेयर होल्डर ने पैसा दिया। मैं आपको एक रिलायंस का एग्जांपल देता हूं, रिलायंस किससे चल रही है, शेयर होल्डर जिसको आप क्या बोल देते हो, मेंबर्स। कितने हैं ये, 22 लाख शेयर होल्डर्स हैं अराउंड, कम ज्यादा होते रहते हैं। इसमें मुकेश प्रमोटर भी हैं, मुकेश भाई भी, मुकेश अंबानी या अंबानी, और दो कौन बाकी कौन है, पब्लिक। ये प्रमोटर तो कितने लोग होंगे, 57 लोग प्रमोटर हैं, मुकेश अंबानी, इनकी फैमिली और उनकी फर्म्स और कंपनियां मिलाकर। बाकी मेजर कौन बैठे हैं, ये पब्लिक। अब पब्लिक में दो तरह के लोग बैठे हैं यहां पर, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कौन हो गए, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। इंडिविजुअल कौन हो गए, मिस्टर ए, मिस बी, ये किस में जाएंगी, इंडिविजुअल। तो 22 लाख में मेजॉरिटी कौन है, आम जनता ज्यादा है। अब जब इन्होंने यहां पर सबने मिलकर रिलायंस के शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, कैपिटल, कैपिटल से उन्होंने बिजनेस एक्टिविटी की, बिजनेस एक्टिविटी का बेनिफिट जिसको मैं बार बार इनकम मिल रहा हूं वो किसको जाने वाला है, इनको, इनको और प्रमोटर्स को। बट उस बेनिफिट में जाने से पहले कौन आ जाता है, ये बेनिफिट जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस हम ही तो हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं लॉ कैसे बनता है, कौन है इंडिया, कौन है इंडिया, हम ही लोग हैं। गवर्नमेंट किसने बनाई, हमने, और किसके लिए खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, हमारे लिए। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दो फॉर्म में दे रही है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। सबसे पहले तो इनडायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट टैक्स तो बाद में आएगा, आईडीटी या डायरेक्ट टैक्स। अब देखो इस बिजनेस एक्टिविटी से कंपनी ने क्या करा, रिलायंस की रेवेन्यू, मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड में लिख देता हूं, कंसोलिडेटेड सेल्स कह लो
या टर्नओवर कह लो या रिवेन्यू कह लो, ये था कंसोलिडेटेड सारी सब्सिडियरियों का मिलाकर अराउंड रुपीज 4 लाख करोड़। ये 2018-19 की फिगर है, थोड़ी बहुत हो सकती है आगे पीछे, मैं बार बार लिख रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। इस पर क्या दिया गया, टैक्स दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्स भी आया, डायरेक्ट टैक्स भी आया, और उसके बाद जो आया वो क्या बचा, नेट प्रॉफिट था अराउंड 38 या 40,000 करोड़, और ये इनको लेस कर कर आया, तो सोचो ये कितनी बड़ी फिगर पहले गवर्नमेंट के पास गई है रिलायंस तक पहुंचने के बाद। इस नेट प्रॉफिट के बाद इन लोगों को डिविडेंड मिलेगा, पहले किसके पास चला गया ये पैसा सारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ये फिगर्स एक कंपनी दे रही है जो आम आदमी इतना टैक्स पे नहीं कर सकता, ना उसकी इतनी कलेक्शन से कंट्री चल रही है, ये कंट्री चल रही है बड़ी कंपनियों से, और बड़ी कंपनियों को जब 4 लाख करोड़ की सेल करनी है तो सोचो उनको कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उनको लार्ज कैपिटल चाहिए, लार्ज। और इस लार्ज कैपिटल को प्रोवाइड करने के लिए मुकेश अंबानी को भी कहां जाना पड़ता है, पब्लिक, पब्लिक, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे हम किसी के थ्रू भेज रहे हैं, तो वो लोग कौन आ गए, बैंक्स। तो अब आपको ये समझ आया कि ये सब्जेक्ट कैपिटल मार्केट के लॉज को बनाया गया, क्यों बनाया गया। अब देखो कैसे कंपनियां काम करेंगी इस कैपिटल मार्केट में आने के लिए। जब भी कंपनी एक्ट, सबसे पहले कंपनी कहां पर बनेगी, कंपनीज एक्ट 2013, जब कंपनी इसमें बनी तो यहां पर एक प्राइवेट कंपनी और दूसरी पब्लिक कंपनी, ये दो तरह की कंपनी आप पढ़ते आ रहे हो। आपका सेक्शन 23 कहता है कि फंड कैसे लिए जाएंगे, ये भी फंड्स लेगी और ये भी फंड्स लेगी, और इस सेक्शन में बात की किया गई है कि वो इशू ऑफ सिक्योरिटीज कैसे करेगी। तो ये करेगी प्राइवेट प्लेसमेंट, ये प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, साथ में क्या कर सकती है, पब्लिक इशू भी ला सकती है, प्लस ये दोनों कंपनियां राइट एंड बोनस ये भी ला सकती है और ये भी ला सकती है। बट ये कंपनी स्पेसिफिकली क्या लेकर आ रही है, तो सेक्शन 23 ये अलाउ करता है कि पब्लिक कंपनी पब्लिक से फंड्स ले सकती है, बट साथ में जब वो इसी के साथ एक सेक्शन जुड़ जाता है सेक्शन 24, वो कहता है जब भी पब्लिक इशू आएगा तो सेबी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो अब इसके साथ कौन जुड़ गया भाई, सेबी एक्ट 1992, ये साथ में जुड़ गया किसके लिए, पब्लिक ऑफर के लिए। साथ में ही कंपनी एक्ट का सेक्शन 29 बोल देता है कि अगर पब्लिक इशू होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, डीमैट फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो यहां पर और कौन जुड़ गया, डिपॉजिटरीज एक्ट जुड़ गया साथ में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज का लॉ किसमें बोला गया है, डिपॉजिटरीज एक्ट में। अब आई एक और सेक्शन आपका कहता है कि जब भी आप पब्लिक ऑफर लाओगे तो सेक्शन 40 ने क्या बात की जी, कि लिस्टिंग भी करानी पड़ेगी, और जब आप लिस्टिंग करोगे तो एक एक्ट और जुड़ जाएगा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये तीन लॉ आ गए। इन तीनों को मिलाकर जनरली डायरेक्टली हमने क्या बोल दिया, ये तीनों
इज इक्वल टू सिक्योरिटीज लॉस, ये आप पढ़ने जा रहे हो। समझ आया जी बात? अब कंपनी की रेलेवेंस समझी, कैपिटल मार्केट समझी, और उसके बाद ये लॉ अप्लाई हो रहे हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये एक इनिशियल दे रहा हूं कि आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो। धीरे धीरे आगे हम इसकी रेलेवेंस को समझेंगे कि इन सिक्योरिटीज लॉ में क्या है, किस लॉ में किस चीज की बात की गई है, ये कंपनियां कैसे चलेंगी। आज के लिए हमें अभी सिर्फ इतना समझना था कि ये कंपनी अगर पब्लिक से पैसा लेने जा रही है, हार्ड अर्न मनी हमारी सेविंग्स ही ले रही है, तो पहले तो ये इजीली एक्सचेंज हो, इसके लिए कैपिटल मार्केट प्लेटफॉर्म बनाया जाता है ताकि ये बिजनेस कर सके और हम लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दे सके और हमें ही इनके बेनिफिट्स मिल सके। फिर नेक्स्ट टर्म आ जाती है कि जब ये सारी पैसे की मूवमेंट होगी तो बात आएगी सिक्योरिटीज लॉस की। तो इसको मैं अभी तक के लिए अभी समराइज करूं तो हम जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बेसिकली दो पार्ट में आ जाती है, डेट मार्केट और दूसरी आ जाती है सिक्योरिटीज मार्केट। यहां पर हम इसको बोल देते हैं होलसेल डेट डील हो रहा है और यहां पर हो रही हैं सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज आप शेयर्स बोलो, डिबेंचर्स बोलो, और इसके फिर दो पार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये दो मार्केट आ गई। यहां पर क्या हो रहा है, आईपीओ, एफपीओ, सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट। यहां पर क्या हो रहा है, लिस्टिंग। लिस्टिंग कहां पर हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज दो है हमारे, एनएससी, बीएससी। ये जब स्टॉक एक्सचेंज पर डीलिंग होगी तो यहां पर हम डीलिंग बोल सकते हैं या ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। अब देखना इसको हम रिलेट करेंगे कैसे। सिक्योरिटीज लॉ में मैं अब सबसे पहले बात करता हूं कंपनीज एक्ट की, जो हमने लास्ट अभी देखी स्लाइड। कंपनी एक्ट 2013 में तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, फिर जब पब्लिक ऑफर आई तो मैं अब दोबारा से कंपनी लॉ के सेक्शन जो पीछे मैंने लिखे थे 23, 24, 29, 40, ये डायरेक्टली किसकी बात करते हैं, पब्लिक ऑफर की। 23 अलाउ कर रहा है कि आप पब्लिक ऑफर ला सकते हो, कौन, पब्लिक कंपनी। ये कौन सी कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी को अलाउ कर रहा है। फिर 24 कहता है कि सेबी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। 29 क्या कह रहा था, इलेक्ट्रॉनिक या डीमेड मोड में सिक्योरिटीज इशू होंगी। 40 क्या कह रहा था, लिस्टिंग होगी। ये चार सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कंपनी लॉ से इस मार्केट को पैदा करते हैं और सिक्योरिटीज लॉ की नीड को क्रिएट करते हैं। अब जब ये कंपनी लॉ तो आया फर्स्ट, दूसरा इमीडिएटली अब कौन आ गया, सेबी एक्ट आएगा कि नहीं, तो इस पर आपको पूरा चैप्टर दिया गया है, सेबी एक्ट पर ये आपने पढ़ना है। थर्ड, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जहां पर डीलिंग होगी, ये बात कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज। डीलिंग कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ, किस फॉर्म में होगी, डिपॉजिटरीज एक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। फिफ्थ में,
फेमा को साथ में जरूर लिखता हूँ, हमें ये भी लेना चाहिए 1999, क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो फॉरेन करेंसी भी आएगी, तो ये भी अटैच हो जाता है साथ में। तो ये हैं दोस्तों सिक्योरिटीज लॉ, जिनको आपको 100 मार्क्स में पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना होगा, ये लॉ क्या है, कैसे ये कंपनियां पब्लिक ऑफर लाएंगी, कैसे इन मार्केट्स में इनकी डीलिंग होगी, इससे रिलेटेड लॉ का ये आप 100 मार्क का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो। और इसी सब्जेक्ट से आपको बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। वो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी ये भी मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। साथ में आने वाले, मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो कुछ लिस्टेड कंपनीज में गए हैं, एनएससी तक में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मर्चेंट बैंकिंग में हैं, लिस्टेड कंपनी में हैं, प्लस कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। मेरे पास सिक्योरिटीज लॉ में 94 मार्क्स दिसंबर 18 में हाईएस्ट गया है नेहा का, नेहा रॉय स्टूडेंट का। मैं उसको आपको एक बार पूरा यहां पर बुलाकर, यूट्यूब चैनल पर बुलाकर और क्लास में बुलाकर आपसे डिस्कस करूंगा, उसके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे उसने ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग या हिस्ट्री क्रिएट की है 94 मार्क्स लॉ सब्जेक्ट्स में। उसके बाद 80 वाले, 76 वाले, 70 वाले, 66 वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं एक ही बार बुलाऊंगा या अलग अलग बुलाऊंगा। इनकी आंसर शीट्स भी देखेंगे कि ये कैसे लिख कर आए, क्या प्रेजेंटेशंस दी इन्होंने, बट इन चीज़ों से पहले इन लोगों से ने भी क्या समझा पहले कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसको पढ़ना कैसे है और आगे इसको करियर में अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में दोबारा इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।